हेलो मेरे प्यारे बच्चों हाउ आर यू ऑल तो बेटा मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब ठीक ठाक हैं और अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस होफमैंस मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन सो बेटा हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई टू टेल यू बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है क्या बेटा सिर्फ प्राइमरी अमीन इस रिएक्शन को देती है क्या होगा इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेकोज दिस आर एन एच टू कोई भी प्राइमरी अमीन हमने ली है दिस इज प्राइमरी अमीन बेटा वॉट एपन्स क्या होगा ट्रीटेड विद इन दिस रिएक्शन क्या होता है बेटा प्राइमरी मीन किसके साथ रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ सी एस टू सी डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एस इसके साथ रिएक्शन करेंगे वार्म करेंगे रिएक्शन मिक्सर को हम थोड़ा सा वार्म करेंगे बेटा बॉयल नहीं करना बहुत ज्यादा हीट नहीं करना सिर्फ वार्म करना थोड़ा राइज करवाना आपको एंड देन वॉट हैपन फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इन दिस कार्बन डाईसल्फाइड यू नो वेरी वेल सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव इस पर डेल्टा नेगेटिव

ट करेंगे विद मर्क्यूरिक क्लोराइड बेटा तो थोड़ा सा रिअरेंजमेंट होगा यहाँ पर बेटा अगेन नाइट्रोजन इज मो इलेक्ट्रो नाइट्रोदेन हाइड्रोजन क्या कर सकता है कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रेट करेगा कार्बन सल्फर बॉन्ड विल डिसोशिएट सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इज वीकर दिस डबल बॉन्ड बेटा इज डिस होगा एच टू एस निकल गया यहां से देखो क्या निकल गया देखिए एच टू एस और एच जी सी एल टू के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा इसके हम एच जी एस मर्क्यूरिक सल्फाइड निकल गया प्लस टू एच सी एल ये बाई प्रोडक्ट निकलेंगे बेटा तो और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर आर दिस एन डबल बॉन्ड हो गया बेटा दिस सी डबल बॉन्ड एस एल्काइल आइसोथायोसायनेट एनसी आइसोसाइनेट ग्रुप होता है एनसीएस आइसोथायोसाइनेट होता है बेटा तो एलकाइल आइसोथायोसाइनेट ये कंपाउंड बन गए आइसो थायो साइनेट कंपाउंड कंप्लीट है ये आइसो थानेट सिंगल वर्ड है बेटा मैं इसको इकट्ठा करके इधर ही लिखता हूं ठीक है दिस इज एल्काइल आइसो थायो क्या निकले एच जी एस मेक्यूरिक सल्फाइड प्लस क्या निकल गया बेटा टू एच सी एल दीज कंपाउंड्रोडक्ट बेटा बिल्कुल ईजी रिएक्शन है ध्यान से आपको समझना इसको कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इस रिएक्शन में आपको समझ में ना आए ओके बिल्कुल इजी रिएक्शन है बेटा प्राइमरी में रिएक्ट करेंगे कार्बन डाई सल्फाइड के साथ वार्म करना रिएक्शन मिक्सर को डाई एल् क्या डाइ थायो एल्काइल कार्बेमिक एसिड बनता है बेटा हीट करेंगे इसको क्लोराइड के साथ क्या बन जाएगा एलकाइल दिस कंपाउंड्स हैव लाइक मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल बेटा एच डी एस एन एच सी एल दीज आर दाई प्रोडक्ट ओके इस वे मैंने रिएक्शन दिखा दिया इनकी यहाँ पर आपको ओके okay. इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा वी कैन टेक इट्स एग्जाम्पल देखिए कैसे सपोज मैंने लेता हूं सी एच थ्री एन एच टू दिस या सी एस थ्री सी एस टू एन एच टू ठीक है ना सी एस थ्री सी एच टू एन एच टू दिस इथाइल अमीन लिया मैंने इथाइल अमीन अगेन बेटा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ये लोन पेयर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा अटैक इज पॉसिबल पाई बॉन्ड विट रिएक्शन को थोड़ा वार्म किया है अल्कॉल ग्रुप की जगह मैंने इथाइल ग्रुप लिया आपकी बार सी एच थ्री सी एच टू दे कंपाउंड इसी टाइप से बेटा एक एच यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा इसके पास तो रह गया एनएच एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड एस एच क्या बन गया डाइ फिर से वही कार्बेमिक एसिड बन गया यहां पर डाई था ग्रुप क्या हो गया यहां पर इथाइल देखो दिस इथाइल ग्रुप एंड कार्बेमिक एसिड कार्बेमिक एसिड ये बन गया बेटा इस कंपाउंड को क्या करें फर्दर हिटेड विद मर्क्यूरी क्लोराइड एच जी सी एल टू के साथ इसको हीट करोगे बेटा क्या निकल जाएगा यहां से एच टू एस निकलेगा क्या बनाएंगे प्रोडक्ट्स बेटा क्या बन गया बेटा यहां पर दिस सी एच थ्री सी एच टू सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस दिस इथाइल आइसोथायोसाइनेट

सो दीज कंपाउंड आर फॉर्म दिस इज बेटा होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इसलिए मस्टर्डल एक्ट स्मेल बनती है की इसी नेम से इसी वजह से इनको इस रिएक्शन को हम मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं तो बट okay, है। इसके अपोजिट जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स है रिएक्शन तो करती है बट रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर ठीक है तो प्राइमरी एरोमेटिक मीन्स रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर बेटा तो देखिए बेटा यहां पर जो तो एरोमेटिक अमींस है रिएक्ट इन डिफरेंट मैनर स्लाइटली डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करती हैं बट प्राइमरी एरोमेटिक अमीं प्राइमरी एरोमेटिक अमींस रिएक्ट इन रिएक्शन तो करेंगे डिफरेंट मैनर डायरेक्टली इसी टाइप से रिएक्शन नहीं करेंगे रिएक्शन तो देती हैं वो भी वो भी फिनाइल आइसोथायोसाइनेट देंगी हैविंग कैरेक्टरिस्टिक मशरूड लाइक स्मेल बट अनदर वे से देखिए कैसे हेयर इन दिस इन केस ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स बेटा टू मोलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन C6H5NH2, सिक्स एच दिस सी ले लिया मैंने एनिलिन NH2 है ये ठीक है ना एनिलिन लिया बेटा एरोमेटिक अमीन मैंने okay, two molecules treated with alcoholic solution of carbon disulfide, cs2, c double bond, s double bond, s beta, c double bond, s. okay, alcoholic solution of carbon disulfide, this is alcoholic, alcoholic solution of carbon disulfide in the presence of solid potassium hydroxide. two molecules are required here for of this solid potassium hydroxide. what happens? heat current reaction mixture. what we get? What we get here, बेटा, क्या बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एच टू एस ये डायरेक्ट यहां से ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के टू मोलिक्यूल मैंने यहाँ पर के टू एस एच पॉजिटिव रिप्लेड बाई पोटेशियम तो क्या निकल जाएगा यहाँ से के टू एस निकलेगा ये एंड दिस एच ओ एच वाटर कम्स आउट ठीक है ना तो ये के एंड बेटा टू ठीक है ये बन जाएगा दो हाइड्रोजन ये रहे ठीक है और दो OH नेगेटिव तो टू एच टू ओ दिज बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ढेर बेटा क्या निकलेंगे बाई प्रोडक्ट्स देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ के एंड वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल दीज आर दी बाई प्रोडक्ट्स हेयर क्या बना कंपाउंड क्या बना ये देखो आप यहाँ पर बेटा सी ये दोनों ग्रुप किससे लिंक होंगे ये कार्बन से लिंक हो जाएंगे दिस इज कार्बन मैं सेंटर में लिख देता हूं यहां दिस इज डबल बॉन्ड एस डबल आ गया बोन्यान एच एंड अगेन दिस इज एन एच एंड सी सिक्स एच फाइव क्या बन गया बेटा एन एस टू सी एन एस टू यूरिया होता है ऑक्सीजन रिप्लेस बाय था यूरिया बन गया और इस पर नाइट्रोजन एटम पर क्या फिनाइल ग्रुप है तो क्या बन गया यहाँ पर भी एन पर और दैट साइड आल्सो एट नाइट्रोजन n एंड कर देता हूँ डिफरेंट साइड है तो n n डश डाइफिनाइल n n डश का बन गया डाइफिनाइल थायोयूरिया थायो यूरिया दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म दिस इंटरमीडिएट इज फॉर्म इसको क्या करेंगे बेटा इसको हीट करेंगे हम इसको अब नाउ वी हीट दिस फर्दर और ट्रीटेड विद दिस इंटरमीडिएट बना है इसको डिकम्पोज करवाएगा बेटा देखिए कैसे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कंसनट्रेटेड एच सी एल वेपन हाउ द प्लेस दिस अगेन बेटा नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रो देन हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा इस बोन के इलेक्ट्रॉन्स को दिस ये कम्स आउट क्या बन गया सी सिक्स एच फाइव एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस सी सिक्स एच फाइव सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस फिनाइल आइसोथायोसाइनेट कंपाउंड तो वैसा ही बन गया आइसोथायोसाइनेट बन गई फिनाइल आइसो थायोसानेट हैविंग मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल मस्टर्ड ऑयल स्मेल ठीक है प्लस उ क्या निकला बेटा यहां पर सी सिक्स एच फाइव एन एच नेगेटिव और यहाँ से एच पॉजिटिव सी सिक्स एनिलिन बट ये हाइड्रोक्लोराइड साथ में है साथ में लगेगा इसके एच सी एल इस एनिलिन के साथ रिएक्शन करेगा इस बेस को रिमूव करने के लिए हमने ट्रीटमेंट की है ओके इस एनिलिन को रिमूव करने के लिए यहां पर हमने ये कंसनट्रेटेड एच सी एल डाला है ठीक है ना इट इज ताकि इसके साथ सोल्ट बना दे ये ठीक है ना न ठीक है दिस इज यूज टू रिमूव एनिलिन इस एनिलिन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम दिस रिएक्शन मिक्सर तो क्या करेगा एनिलिन के साथ रिएक्शन करेगा एन एच थ्री पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव क्या बन गया बेटा एनिलिनियम हाइड्रोक्लोराइड एनिलिनियम क्लोराइड बन गया ये दिस इज एनिलिनियम क्लोराइड ओके और अनदर नेम क्या लिख सकते हैं आप इसका बेटा एनिलिन हाइड्रोक्लोराइड ठीक है एनिलिन अगर हाइड्रोक्लोराइड लिखेंगे तो एनिलिन लिखना है और अगर एनिलीनियम कर दिया तो क्लोराइड लिखेंगे सिर्फ ठीक है ना सो दिस कंपाउंड इज फोन बेटा मेन कंपाउंड्स क्या Phenyl, है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट है अगेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिलिन कंबाइन करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड एल्कोहलिक सोलूशन सोलिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे इनको ये प्रोडक्ट्स निकल जाएंगे यहां पर एन एन डैश डाइफिनाइल थायूरिया बनेगा इसको फर्दर ट्रीट करेंगे विद